नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता के तहत पाकिस्तान की भूमि से 2000 टन गेहूं की चौथी कैप भेज दी गई है। भारत से निर्यात किया जा रहा है। भारत ने 2500 टन गेहूं की पहली कैप 12 फरवरी को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को भेजी थी। वही 26 फरवरी को अफगान शहर से जलालाबाद पहुंची थी। अब भारत से निर्यात हो रहा है और हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी होगी और भारत से ज्यादा गेहूं निर्यात किया जा रहा है, जिससे गेहूं की कमी के कारण ज्यादा से ज्यादा भाव बढ़ सकता है। करीब 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का भाव रह सकता है। अब हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। भारत से ज्यादा निर्यात किया जा रहा है, जिससे गेहूं की कमी के कारण ज्यादा से ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। गेहूं करीब 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अगले दो दिन में भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है। हमारे किसान भाई को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। किसान भाई, आप माला माल हो सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें, अफगानिस्तान को 8000 टन गेहूं भेजा गया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारी साझेदारी जारी है। 2000 टन गेहूं की मानवीय सहायता का चौथा काफिला आज अफगानिस्तान भेजा गया है। आज तक कुल 8000 टन गेहूं भेजा गया है, जिससे भारत में गेहूं की कमी के कारण गेहूं में ज्यादा से ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा वे उनकी उन्हें उचित मूल्य मिल पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो रहा है। किसान भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।